बच्चा पार्टी, मैं जितेंद्र के आर शुक्ला। आज जो मुझे करना है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 3। पिछले वाले लेक्चर में जिसने जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि वो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला देखें जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कनेक्टिंग वायर क्या होते हैं, किस टाइप से सर्किट बनता है, पोटेंशियल को विजुलाइज कैसे करोगे, रेजिस्टेंस का बेसिक इंट्रो क्लास 10th में क्या था। उसके बाद वहां पर हमने प्रूफ किया था करंट का रिलेशन इलेक्ट्रॉन के साथ। आज हम आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस तक जाएंगे और रेजिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो लास्ट वाली क्लास से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो मैंने किया था आई इक्वल एन ई ए वी डी, जिसमें मैंने ये कंसीडर किया था ये मेरा कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ है एल, एरिया था ए और इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज और इधर थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। कनेक्टिंग वायर की हेल्प से मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया था, ये मैंने यहाँ पे तुम लोगों को समझाया था। साथ में एक चीज और बताई थी कि अगर हम यहाँ पर ये सॉल्व करना चाहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे डिस्टेंस और टाइम चाहिए था। मैंने बोला था ये मीन फ्री पाथ डिस्टेंस आएगा, टाउ टाइम की जगह आया था और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/2 ई एम और ई टाउ स्क्वायर। ये वैल्यू पिछले वाले लेक्चर में मैं कर चुका हूं, ये मीन फ्री पाथ का वैल्यू था। जब इसको टाउ से डिवाइड करोगे तो ये टाउ से टाउ कैंसिल होगा, यानी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आएगी ई ई अपॉन 2m और टॉ, और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये हमारे लास्ट लेक्चर का यहां तक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज मुझे यहां पे करना है। तो देखिए करंट की वैल्यू क्या बनने वाली है, आई इक्वल एन ई ए, अब मैं वीडी को रिप्लेस करूंगा ई ई अपॉन 2m और टॉ। अब देखिए, अब मैं चाहूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बी वाई एल लिख सकता हूं। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एल क्या है, लेंथ हमने पढ़ा हुआ है, ई यहां पर डबल है तो ये होगा एन ई स्क्वायर ए और ये होगा टॉ, यहां पर मैं लिखूंगा वी और डिवाइड बाई ई की वैल्यू मैं एल लिख रहा हूं तो एल यहां पर आएगा और 2m यहां पर आएगा। तो करंट का एक ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से देखो। अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं, मान लीजिए मैं V यहां लिख रहा हूं और इस I को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये V अपॉन I होगा, 2ml, 2ml इधर आ गया। अब ये वैल्यूज कितनी है जो इधर आएंगी, वो एन ई स्क्वायर आएगा, टाउ आएगा और A आएगा। अब जब मैं मेरी नजर इस फॉर्मूले पे पड़ेगी, तुम लोग ध्यान से देखो, तो यहां पर ये जो पूरा दिया हुआ है ये किसी भी कंडक्टर का इंटरनल पार्ट दिया हुआ है। इंटरनल पार्ट का मतलब मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यानी जिस कंडक्टर को तुम लेने जा रहे हो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने आवारा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये एक इंटरनल कैरेक्टर है, यानी इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये क्या है, ये है स्पेशल, एक स्पेशल नेचर है मटेरियल का। इसको जनरली लिखा जाता है रो से, तो रो की जो वैल्यू यहां पे बन के आएगी इस जगह वो होगी 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। अब ये है एक स्पेशल कैरेक्टर्स, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको और भी क्या बोल सकते हो, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, यानी स्पेसिफिक रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, या इसको और अच्छा है अगर ऐसे भी बोल सकते हो स्पेशल रजिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो इसकी क्वालिटी है, स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल, और इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। अब एक चीज तो मेरी यहां पे नजर पड़ी, दूसरा हमने ये जो लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था कि वी अपॉन आई का वैल्यू कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसको ओम्स ने रेजिस्टेंस बोला था। तो अब देखिए मेरे पास कंप्लीट पिक्चर क्या आ रही है, वो आ रही है आर यानी रेजिस्टेंस,
यहां पर हम लिखेंगे रो स्पेशल रेजिस्टेंस, और ये होगा एल और ये होगा ए। तो एक फॉर्मूला बन के मेरे पास आ गया, और वो फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल रो एल बाई ए। यहां तक हम लोग आ गए। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे रेजिस्टिविटी, कुछ और बेसिक टर्म है, कुछ टर्म ऐसे हैं जिनका केमिस्ट्री में हम ज्यादा यूज करते हैं, फिजिक्स में तो उतना नहीं करते। जैसे अब मान लीजिए मेरे दिमाग में आया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए यूनिट के लिए रो यहाँ पर लिखोगे आर ए बाई एल, इसका होगा मीटर स्क्वायर, इसका होगा मीटर, रेजिस्टेंस का होता है ओम, तो यूनिट हो गया ओम मीटर, किसका, रेजिस्टिविटी का। एक चीज और, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकना, अगर मैं रेजिस्टेंस का उल्टा कर दूं यानी करंट को सपोर्ट करना, तो वन अपॉन रेजिस्टेंस को बोला जाता है कंडक्टेंस। ये और ये जो कंडक्टेंस है इसका यूनिट, जैसे रेजिस्टेंस का ओम होता है तो इसका उल्टा सिंबल बनाइए, तो ये उल्टा सिंबल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और इसको बोला जाता है महो यूनिट में कंडक्टेंस के लिए। इसी टाइप से जो रेजिस्टिविटी है इसको अगर हम रेसिप्रोकल लिखें तो ये बोला जाता है कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से लिखते हैं, इसका यूनिट इसी टाइप से बनेगा यानी महो पर मीटर। तो ये तो हो गई एक बेसिक चीज, इसी फॉर्मूले से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये जरूरत पड़ जाती है कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, तो यहां से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले निकाले थी वही वैल्यू अगर यहां पे रख दोगे, वन अपॉन कंडक्टिविटी में जो भी आया था एनी स्क्वायर टॉ वगैरह उसको रखोगे तो कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो ये चीजें तो हो गई इंटरनल। मेरा आज का जो फोकस है वो बेसिकली इस चीज पर है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम मैं करना चाहता हूं। तो देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो आर इक्वल रो एल बाई ए है इसको एज ए स्टूडेंट मैं कैसे समझूं कि ये है क्या। देखो इसमें दो चीजें आ रही है, ये है वो क्वालिटी जो कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करेगी, ये होगी कंडक्टर की लेंथ और ये होगा एरिया। एक चीज और, ये जो रेजिस्टिविटी है ये आयरन के लिए अलग होगी, जैसा मैंने बोला कॉपर के लिए अलग होगी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये मेरा कॉपर का बना हुआ एक वायर है तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है अगर मैं इसकी लेंथ कम कर दूं या इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो किस पर फर्क पड़ेगा, तो लेंथ पे फर्क पड़ेगा, एरिया पे फर्क पड़ेगा, तो क्या रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। अलग थोड़ा दिमाग रखना, आगे ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन क्या इस रो पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। आयरन का कुछ देखोगे एनसीईआरटी में लिखा रहता है आयरन का, ये अलग अलग वैल्यूज दिए होंगे। अब इसमें दूसरी चीज है लेंथ और एरिया। मुझे ये जानना है कि जब मैं कोई न्यूमेरिकल करूंगा तो उन न्यूमेरिकल्स में लेंथ कैसे डिसाइड होगी, एरिया कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए देखना है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने एक क्यूब बनाया, ये क्यूब है इस टाइप से बना हुआ है, ध्यान से देखना है, इस क्यूब का ये वाला लेंथ है सपोज ए, और यहां पर जो ये थिकनेस मैं दे रहा हूं वो बी है। अब देखिए मैंने क्यूबिकल टाइप से बनाया, अब मैं इसको क्यूब नहीं बोल सकता, अगर क्यूब बोलूंगा तो मुझे सारी साइड इक्वल लेनी पड़ेंगी, क्यूबॉइड कहना ज्यादा सही है। ये ए, ये बी, और ये वाली जो हाइट है वो है सी। मैं बोलता हूं कि करंट यहां से आ रही है और यहां से जा रही है, इसका जो स्पेशल रेजिस्टेंस है यानी जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। अब मुझे ये बताओ कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा अगर करंट की वैल्यू आई मैं दे दूं। तो मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि मैं पहले लिखूंगा आर, फॉर्मूला मुझे याद है, मैंने रेजिस्टिविटी भी लिख दिया। अब मेरे माइंड में एक डाउट आएगा, ये भी लेंथ हो सकता है, ये भी लेंथ हो सकता है, ये भी लेंथ हो सकता है, हाउ वी विल डिसाइड द लेंथ। गुड क्वेश्चन। देखो इसमें सिर्फ इतना करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती हुई दिखाई दे उस डायरेक्शन में जो भी लेंथ होगी कंडक्टर की वो आपकी लेंथ बनेगी, और जो रिमेनिंग होगा वो एरिया। और वैसे भी दिखाई दे रहा है कि ये वो पोर्शन है जहां पे करंट क्रॉस करेगा, मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर लेना है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डेंसिटी में भी बताया था। तो ये वाला जो एरिया है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा और ये वाली लेंथ बनेगी। पर हर बार इतना डायग्राम बना के तो नहीं सोचोगे, तो यहां पर ये माइंड में सेट कर लो कि करंट के अलोंग मैं लेंथ लूंगा, जैसे यहां पर लेंथ हमारी कौन होगी ए,
रिमेनिंग टू साइड्स विल फॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा रो ए अपॉन बी सी, ये वाला। इसी टाइप से अगर मैं इसी डायग्राम को फिर से बनाऊं, यहां पर ये देखो फिर से बन गया, साइड वही है ए बी सी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि करंट ना ऐसे आ रही है और बॉटम एंड से जा रही है। अब मैंने पूछा अब बताओ, अब देखिए आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस ये रहा। अब लेंथ करंट के साथ, यानी जो ये सी वाली हाइट है ये लेंथ बन जाएगी, रिमेनिंग साइड एरिया बनाएंगे, तो ये ए बी हो गया। अब आंसर क्या हुआ, रो सी अपॉन ए बी, ये अगर आर वन है तो ये आर टू होगा। इसी टाइप से थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाए उसके लिए, मान लो मैं इसमें क्या करूं, इसी में इस बार मैं बोल रहा हूं करंट यहां से जाएगी, नहीं ये तो हम केस ले चुके हैं। चलिए मैं मान रहा हूं कि अब करंट इस सामने वाले फेस से अंदर घुसेगी और बाहर वाले फेस से बाहर आएगी, यानी पीछे वाले से। अब रेजिस्टेंस कितना होगा, आर थ्री, फिर लिखोगे रो। अब लेंथ देखो कौन है, अब बी लेंथ बन जाएगा, तो ये बी होगा। रिमेनिंग साइड इसका एरिया बनाएंगे। तो ये था एक बेसिक इंट्रो इस फॉर्मूले का स्टार्टिंग में। मैंने दो चीजों पे फोकस किया है, ध्यान से सुनो, लेंथ कैसे डिसाइड करोगे, एरिया कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल बढ़ेगा, उसमें दो चीजों पर फोकस करना है। पहले ये देखोगे लेंथ बढ़ रही है या एरिया बढ़ रहा है, दोनों में कोई एक बढ़ेगा, और लेंथ कैसे डिसाइड होगी हमें पता है, फिर हम इसके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब इसी टाइप के एग्जाम्पल नंबर टू पे चलते हैं। अब इसमें जिससे हम लोग स्टार्ट अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, ध्यान से देखना, अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे, ठीक है। तो जैसे मेरा एग्जाम्पल नंबर टू है, उसमें मैंने क्या किया, एक यहाँ पर कंडक्टर बनाया, ध्यान से देखना है, ये कंडक्टर है ऐसे, और इसका रेडियस मैं ये मान रहा हूं कि आर वन है, और एक दूसरा कंडक्टर देखिए इसी के ऊपर है, ये अंदर है, और उसका जो रेडियस है इधर ये हो गया, और दूसरा वाला इसके ऊपर ये अंदर है। मैंने ये माना कि जो इसका रेडियस है वो R1 है, पर दूसरे वाले का जो रेडियस है वो R2 है, यानी इसका रेडियस R2 है, ठीक। मैं दे रहा हूं कि इसका लेंथ L है, करंट का डायरेक्शन मैं आपको दे रहा हूं कि ये है I, इधर से ये जाएगा, और करंट। अब इसका जो रेजिस्टिविटी है वो रो। अब मुझे ये बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए इसमें कैसे करना कैसे है, सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट होता, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ तो तुम लोगों की तरह प्रैक्टिस करता, तो मैं क्या करता, मैं इसमें लिखता कि मुझे एक फॉर्मूला बताया गया है R इक्वल रो एल बाई ए। अब मैं इस फॉर्मूले के बारे में सोचना स्टार्ट करूंगा, इस फॉर्मूले में मुझे क्या समझाया गया था, सबसे पहले रो तो चेंज होगा नहीं, ठीक, तो रो को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे चाहिए लेंथ, करंट जा रही है लेफ्ट से राइट, तो उसके अलोंग लेंथ में कोई टेंशन नहीं है, तो मैंने एल भी लिख दिया। अब मुझे जरूरत पड़ी एरिया, तो एरिया कहाँ, जो करंट के परपेंडिकुलर है ये एरिया होगा, मैं ये वाला क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये होलो सिलेंडर से करंट तो यहाँ पर है। अब इसमें टोटल एरिया कितना होगा, अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन का लिखूं तो वो होगा पाई आर टू स्क्वायर, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं, देखिए इसको माइनस कर दूं, अब ये एरिया बड़े आराम से आ जाता है कि रो एल अपॉन पाई आर टू स्क्वायर आर वन स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से हमने क्या सॉल्व कर दिया, रेजिस्टेंस हमारा आर, इस एरिया से यानी ये टोटल एरिया से ये एरिया माइनस कर दूं तो करंट का मिल जाएगा, यहां तक आ गए। अब मैं अगर इसमें थोड़ी सी बात ऐड कर दूं कि मान लो यहाँ पर एक बैटरी लगी होती और ये पूछा जाता कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए करंट अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये मेरा पॉइंट ए होता और ये मेरा पॉइंट बी होता, तो मैं बड़े आराम से ये बता देता कि बी ए का वैल्यू बी से ज्यादा होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है कि करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, और ओम्स लॉ भी मैंने बताया था, क्या था वो था ए माइनस बी इक्वल आई आर, आ गया ना। अब मुझे चाहिए आई का वैल्यू, तो ये इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस है बी, तो मैंने इसको बी से डिनोट कर दिया। अब डिवाइड करूंगा मैं आर से, आर की वैल्यू देखिए ऊपर लिखी है, जब डिवाइड करोगे तो रो एल यहाँ पर आएगा, आर टू स्क्वायर आर वन स्क्वायर यहाँ पर लिखोगे,
और रो एल आ गया, जब मैं इसको डिवाइड, नहीं नहीं एक सेकंड थोड़ी सी जल्दी हो रही है, मैं इसको मान रहा हूं बी, तो बी यहां पर होगा ओके। अब बी जब यहां आ गया तो ये रेजिस्टेंस को इस साइड में लेकर आता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है, तो रो एल तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन ये पाई आर टू स्क्वायर आर वन स्क्वायर यहां पर जाएगा और ये वैल्यू होगी करेंट की। देखिए यहां से करेंट सॉल्व होगी, मतलब मेरा पर्पस यहाँ करंट नहीं है, मेरा पर्पस है रेजिस्टेंस। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, हमने आराम से निकाला। अब हम इसमें एक और लेते हैं, मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया जाए, उसके लिए जो पेपर सेटर होंगे या जो भी टेस्ट पेपर होगा उसमें क्या कर सकते हैं, अब देखना सेम डायग्राम ये बना हुआ है एज इट इज, जैसा पहले था, डायग्राम में मैंने कोई चेंज नहीं किया हुआ है, वो सिलेंडर का थे वो अभी भी है, ये वही है करंट। अब देखिए लेंथ भी वही है, रेडियस इस वाले पोर्शन का आर वन है और जो बाहर वाला है आउटर रेडियस है वो आर टू है, बस मैं एक चीज चेंज कर रहा हूँ। अब मैं करंट बता रहा हूँ कि ये देखिए ऊपर जा रही है ऐसे इधर इधर, और यहाँ पे ये करंट नीचे आ रहा है, हॉलो सिलेंडर है तभी ऐसे आ सकते हैं। अब बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा और रेजिस्टिविटी दी गई। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बनके रेडी है, अब सोचो जरा इसमें क्या होगा। सोचने से पहले हमें इस फॉर्मूले के बारे में ही यही हमें सोचने का रास्ता दिखाएगा, रो एल अपॉन डी। मुझे ये देखना है कि करेंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ, जो लेंथ होगी वो तो करेंट के अलाउ होगी, अब ये लेंथ में आर टू लू आर वन लू या आर वन प्लस आर टू लू, एज ए स्टूडेंट तुम ये सोच सकते हो। दूसरा सोचोगे कि करंट में मैं एरिया क्या लू, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है तो क्या करूं, अब ये समझ नहीं आ रहा। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जो करंट है, एक होलो सिलेंडर को आप इमेजिन करो ऐसे, अंदर ये सिलेंडर पड़ा हुआ है तो ये अपने चारों तरफ करंट को फैला रहा। अब मैं इसको सोचूं कैसे, एक आसान तरीका है कि अगर मैं इसके ऊपर एक पतला सा सिलेंडर इमेजिन करूं, इसको तुम ऐसे समझो, मान लो मैं इसको ना यहां पर खड़े होके देख रहा हूं टॉप व्यू से फ्रंट व्यू से, तो ये मुझे ऐसे दिखाई देगा, एक रेडियस मुझे आर वन दिखेगी और दूसरा जो होगा सिलेंडर था इसके ऊपर जो है उसका रेडियस मैंने यहाँ आर टू दिया। अब मैं एक सिलेंडर इसके अंदर और डालूंगा, जो मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं एक सिलेंडर इसके अंदर यहां से लूंगा ऐसे पतला, बहुत पतला, यहां से अंदर ऐसे डालूंगा स्लोली स्लोली, ये पतला सिलेंडर यहां से लेकर यहां तक सेट हो जाए, तो वो ये मैं फ्रंट से ऐसे देखू, ये है ये, और इसकी थिकनेस देखो ये ऐसे आ गई, ये मैंने बता दिया सेंटर से इस सिलेंडर का डिस्टेंस एक्स है और मैंने इसकी जो थिकनेस है उसको लिखा dx। अब सोचिए जब ये सिलेंडर अब यहां से तुम देख रहे हो इसके अंदर जाएगा तो इस पत्ते वाले सिलेंडर का लेंथ कितना होगा, एल होगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जब करंट यहां से निकलेगी तो जाएगी तो भाई इसी के अंदर से, देखो यहां से चारों तरफ देखो इसको क्रॉस करेगी, ऐसे क्रॉस करेगी, ऐसे क्रॉस करेगी और धीरे धीरे एरिया बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, जब करंट यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो अगर मैं x की वैल्यू कम कर दूं तो ये एरिया कम हो जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा ये एरिया भी बढ़ेगा, और ये मैं बार बार समझा रहा हूँ कि मैं देख इधर से रहा हूँ तो ये सिलेंडर सिर्फ इतना रिंग जैसा नहीं है, ये इसके अंदर घुसेड़ा गया है, तो ये पूरा यहाँ तक ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ये तो करंट इसके इसको क्रॉस कर रही है इस थिकनेस को, जिसको मैंने यहाँ पे कितना माना हुआ है dx माना हुआ है, ये वाली थिकनेस ऊपर भी है और नीचे भी है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि करंट जब यहाँ से निकलेगा इस पूरे रिंग को क्रॉस करेगा, अब मैं क्या करूं, मुझे लेंथ चाहिए। अब मैं लेंथ क्या लू, जब मैं सिर्फ इस एलिमेंट पर ही फोकस कर रहा हूं तो मैं इसी पे इसी की लेंथ लूंगा। एक चीज और, ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, ऐसे मैं अगर स्टार्ट करूं तो छोटी छोटी रेडियस के एक सिलेंडर यहाँ बना सकता हूँ, एक इसके ऊपर बना सकता हूँ, एक और उसके ऊपर बना सकता हूँ। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है
ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, और करंट यहाँ से हर एलिमेंट को क्रॉस करते हुए ऐसे आगे बढ़ेगी। अब हमें ये बताना है कि ये और ये और ये और ये जो एलिमेंट बनेंगे वो सीरीज में बनेंगे या पैरेलल में बनेंगे। अब करंट तो यहाँ से जा रही है यहाँ पर, यहाँ से जा रही है यहाँ पर, तो ये करंट तो सीधी जा रही है ऊपर, यानी ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन है? क्योंकि सबका पोटेंशियल इसमें अलग होगा, यहाँ से करंट घर जा रही है, इसके घर जा रही है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट तो सेम रहेगी, और अगर करंट सेम रहेगी तो हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पर अप्लाई करूँ तो क्या होगा? मैंने लिखा एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस दिया, मुझे चाहिए रो, अब मुझे चाहिए लेंथ। लेंथ क्या है? करंट जब यहाँ से निकली तो इसी के अलोंग लेना है, वो थिकनेस मैंने कितनी बताई है dx, करंट यहाँ से आई तो लेंथ कितनी हो गई dx। अब सबसे मुश्किल चीज आ गई कि मैं एरिया कैसे लू। तो जब ये सिलेंडर केवल ये ऊपर नीचे तो है नहीं, ये तो पूरा सिलेंडर ऐसे होता है, ऐसे चारों तरफ से कवर किया हुआ है, तो मुझे सिलेंडर का पूरा सरफेस एरिया चाहिए। अब मैं एरिया निकालूं कैसे? थोड़ा इमेजिन करता हूं कि मैं इस सिलेंडर को ऐसे बीच से काट के फैला देता हूं। तो जब मैं उसको फैलाऊंगा तो ये वो पोर्शन है जो रैप्ड हुआ है ये वाला, इसी को जब फोल्ड करोगे तो फिर से सिलेंडर बन जाएगा। ये है कितना? ये है 2πx। क्यों? x इसका रेडियस है तो सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2πx। चाहो तो इसको फिर लपेटना स्टार्ट करो, जैसे इसको तुम फोल्ड करोगे, कोशिश करो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो अब ये वाली सर्कमफेरेंस कितनी होगी? 2πx। इसका लेंथ कितना है? एल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये वाला सिलेंडर जो इसके अंदर घुसा हुआ है, एक बार अच्छे से समझ लो क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। ये वो थिकनेस है जो मैंने dx लिए रखी है, ये वो लेंथ है जो लंबाई का मैंने एलिमेंट माना हुआ है, और इस एलिमेंट की जो रेडियस मैंने ली है सेंटर से वो एक्स। ये पिक्चर है ये। तो अगर इसका मैं एरिया पूछूं तो बड़े आराम से बताओगे लेंथ इनटू विड्थ कितना है? 2πx। अब ये एक बन के रेडी हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब कर लीजिए इंटीग्रेट, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है आराम से देख सकते हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ये सारे आपस में सीरीज में आएंगे। अब यहां से क्या करोगे? रो बाई एल कॉन्स्टेंट है, 2πx भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर dx मिलेगा, यहाँ पर x मिलेगा, इंटीग्रेट कर दीजिए धड़ल्ले से, क्या दिक्कत है? 0 से r, मुझे कहां से चाहिए? r1 से r2 तक चाहिए। मैंने इसको क्या लिखा? r1 से लेकर r2 तक, इधर इंटीग्रेट करोगे r आएगा, यहाँ रो होगा, 2πl होगा, ये आएगा ln x यानी log x, फिर लिमिट डालोगे तो log r2 माइनस log r1, यानी मैं डायरेक्टली देता हूँ ln r2 अपॉन r1। ये देखिए सॉल्व होके रेजिस्टेंस आ गया। तो इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश ये की गई है कि एलिमेंट कैसे लोगे, लेंथ कैसे लोगे, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब अगर मैं इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा और एक और एग्जांपल लेते हैं, अब इसमें देखो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। सपोज अब कंडक्टर देखिए ये, अब मैंने इसका रेडियस माना r1, और जो ये वाला एंड इसका रेडियस माइंड करा देता हूं, ये रेडियस हो गई r2 दोनों में। इसका जो टोटल लेंथ है वो फिर से मैं l मान रहा हूं, और इसका रेजिस्टिविटी है वो। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो मैं दे रहा हूं i फ्रॉम लेफ्ट से राइट, ये करंट का फ्लो है। अब मुझे यहाँ पे फिर से ये पूछा गया है कि इस टाइप की डिजाइन में रेजिस्टेंस बताइए, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको लिखना है रो एल बाई ए। ठीक, मुझे लेंथ चाहिए, मुझे एरिया चाहिए। तो जब मैं लेंथ की तरफ जा रहा हूँ तो कोई डाउट नहीं है, मुझे एल दिखाई दे रहा है। तो अगर लेंथ तक की बात होती तो मैं यहाँ रख देता रो भी है। एरिया के बारे में जब मैंने सोचा तो ये देखा एरिया यहाँ से देखोगे तो लीनियरली बढ़ता चला जा रहा है। ये देखो, अगर मैं ऐसे इसको मिला दूं तो ये देखो पहले रेडियस r1 थी, पर यहाँ पर जाकर ये रेडियस में गैप बना जो r2 माइनस r1 के इक्वल होगा, और यहाँ से ये लेंथ है l। अगर मैं इसको एक थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करूं तो
अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि एरिया में इस लेंथ के अलोंग चेंजेस हो रहे हैं। यानी अगर मैं इसको अच्छे से समझना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लूँ ये डिस्क टाइप का, ये जो ये डिस्क मैंने बनाई है, अगर इस डिस्क का थिकनेस dx हो, यानी ये वाला, अगर मैं इसको dx लूँ, अब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी और इस एलिमेंट का मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये डिजाइन है आपका, ये रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है। अच्छे से देखो, ये r2 है, ये r1 है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ये वाला डॉटेड पोर्शन बोर्ड के अंदर से जा रहा है और जो डार्क बना हुआ है वो बोर्ड के ऊपर की तरफ, ठीक है, डॉटेड मीन्स इनसाइड। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो एलिमेंट है वो x डिस्टेंस पर है, ये वाली जो थिकनेस मैं ले रहा हूँ वो dx है और इस एलिमेंट यानी डिस्क टाइप का जो दिख रहा है उसका रेडियस r। अब इसमें वो क्या रहा है कि जो ये r है वो r1 से बढ़ना शुरू होगा और धीमे 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 देखिए ये बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक बढ़ता जाएगा, यहाँ तक बढ़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ये r है वो लीनियरली बढ़ रहा है, ये लीनियरली इसमें वेरिएशन हो रहा है। लीनियर तो क्यों, इसमें मैं लीनियर इक्वेशन लगा सकता हूँ, मैंने पढ़ा है y इक्वल mx प्लस c होता है। अब यहाँ y कौन है, किसमें लीनियर चेंज हो रहा है, r, मैंने यहाँ लिख दिया r। अब m क्या होता है, ये स्लोप पड़ा हुआ है। इस डायग्राम को अगर देखो, यहाँ पे मैं स्लोप निकालूं tan थीटा से, तो परपेंडिकुलर कितना है, r2 माइनस r1। बेस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए l है, l आ गया, इनटू में क्या है x। अब c का वैल्यू क्या है, y एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर मैं ये बोल देता कि ये मेरा y एक्सिस है, ये लो, और इधर से मेरा x एक्सिस है, तो बड़े आराम से देख सकते हो कि ये वाला जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ये y है, ये x है और r1 रेडियस है, ये लीनियरली चेंज स्टार्ट हुआ है ऐसे। इसका एंगल है यहाँ पे थीटा, ये देखिए ये चेंज हो रहा है, आप परफेक्ट ग्राफ इससे बना सकते हो। तो c इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वाई एक्सिस पे, c का वैल्यू कितना होगा, बड़े आराम से बताओगे r1 होगा। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन बन के रेडी हो गई ना, आगे। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ इसके चेंज होने का रेट क्या है इस डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ आओगे ये r बढ़ जाएगा, यहाँ पहुंचोगे r बढ़ जाएगा, यहाँ पहुंचोगे r2 हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसका चेंज निकाल दूं। तो dr ओवर dx कर देता हूँ, जब dr ओवर dx करूंगा तो r2 माइनस r1 अपॉन l, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन होता है, r1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, जीरो होगा। अब हमारे पास क्या रह गया, x का वन हो गया, और कितना बचा, अगर मैं यहाँ पर dx को यहाँ लिख दूं, dr को यहाँ रखूं और इस वैल्यू को इधर लाऊं तो क्या होगा, r2 माइनस r1 होगा और ये l यहाँ पर होगा। तो dx की वैल्यू देखिए क्या आ गई, drl r2 माइनस r1। अब हम यहाँ तक देखिए बड़े आराम से यहाँ तक पहुंच गए, अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस ये जो डिसीजन, जिस बच्चे ने पिक्चर को समझ लिया कि इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें एरिया चेंज हो रहा था, वो भी लीनियरली, थोड़ी मैथ्स लगाई और यहाँ पे इस रेडियस के चेंज होने का रेट पता कर लिया। हम ऐसा कर क्यों रहे थे, क्योंकि मुझे इन दोनों में कोई एक चेंज दिया जाएगा जो मुझे पकड़ना है। अब मैं आगे क्या करूं, अब इन सारी चीजों को तो हटा देता हूं, मुझे जो मिला है वो मिला है कि dx की वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली है, वो है l dr और अपॉन में है r2 माइनस r1, ये दिया हुआ है। इस dx को रखते हैं, बाकी इस चीज को हटा देते हैं। मुझे चाहिए क्या, रेजिस्टेंस एलिमेंट के लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा dr, पहले मैंने लिखा रो, अब मुझे चाहिए लेंथ। लेंथ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां से लेकर यहां तक l ही होगा, तो अब लेंथ में नहीं, यहां से यहां तक पूरा लेंथ l है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लिए, एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx, तो मैं यहां लिख देता हूं dx, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं r लिखता
तो मैं पूरे एल की बात करता, पर वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिफॉर्म एरिया नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एल नहीं लिया। कितना लिया? एलिमेंट का dx हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए एरिया। कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला एरिया चाहिए। अब इस एरिया के लिए क्या लिख दूंगा? पाई आर स्क्वायर। आर क्यों? क्योंकि आर इसका रेडियस है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एलिमेंट के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ रो लिखा, पाई आर स्क्वायर लिखा। क्या dx की वैल्यू मुझे पता है? जो ये बिल्कुल पता है, ये रहा। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ पर मुझे लिखना है एल बी आर आर टू माइनस आर वन। देखिए हम यहाँ तक आ गए। अब कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, तो रो कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, आर टू माइनस आर वन कॉन्स्टेंट, बचा क्या? डी आर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस टू और डी आर, आर को ऊपर ले गया, बस हो गया सॉल्व। क्या करना है? कहाँ से वेरिएशन स्टार्ट हुआ है? वेरिएशन आर वन से स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे फिनिश हुआ? तो आर टू पे फिनिश हुआ। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर को मिलेगा आर, यहाँ होगा रो एल अपॉन पाई आर टू माइनस आर वन। यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, तो एक माइनस साइन भी आएगा और वन अपॉन आर आएगा आर वन और आर टू। माइनस साइन को हम लोग यूज कर लेंगे लिमिट को, अपर माइनस लोअर नहीं, लोअर माइनस अपर कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये माइनस आर वन आर टू। चलो ले लेते हैं एलसीएम। तो रो एल पाई आर टू माइनस आर वन, यहाँ पर क्या होगा? आर टू माइनस आर वन आर वन आर टू, ये देखिए कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर हो गया रो एल अपॉन पाई आर वन आर टू। अब इसमें एक चीज और ध्यान से सुन रही है कि अगर ये सीधा होता, मान लो ऐसा नहीं दिया होता, थोड़ा स्ट्रेट कर दिया जाता, तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब R1 और R2 इक्वल हो। तो यहाँ R1 R2 अगर इक्वल कर ले तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाती है? रो एल R1 R2 इक्वल यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये एल है, तो देखिए रो एल बाई ए, हम फिर से वही आ गए। तो बेहतर ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये माइंड में रहे तो और अच्छी बात है। तो इसमें से हमने क्या देखा, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद वाला देखो, एक साथ तीनों केस अप्लाई करेंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किए। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव, उसमें क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देख मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक फ्रंट व्यू बनाया, देखना मैं एक यहां से ला रहा हूं और एक यहां से ला रहा हूं, एक लाइन ये आ रही है और एक इस एंड से आ रही है, इसको ज्वाइन करा दो और इसको ज्वाइन करा। अब मैंने इसको ज्वाइन करा दिया और इसको ज्वाइन करा, नहीं अभी नहीं करा, ठीक ही दिख रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बस इतना काफी है। अब अगर ये इस टाइप का डिजाइन है, अब मुझे इसमें रेजिस्टिविटी दिया है, वो यहां पर मैं ले रहा हूं एक सेंटर, इसके वन एंड तक जब मैं जाता हूं तो आर वन डिस्टेंस है यहां से यहां तक हो, और यहां से स्टार्ट करो तो ये पूरा आर टू है यहां तक, और ये वाली जो इसकी थिकनेस है, हाइट है, वो है एच, ठीक। और ये ऐसे मैं इसको यहां से कंप्लीट कर रहा हूं। अब मैं जानना चाह रहा हूं इसका रेजिस्टेंस, करंट का जो फ्लो है वो दिया जाएगा। मैंने ये करंट का डायरेक्शन दे रखा है, ये जो एरो बने हुए हैं वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो क्या चाहिए? देखिए शुरुआत वहीं से होगी, आर इक्वल रो एल बाई ए, ठीक। मुझे चाहिए लेंथ, लेंथ क्या होगी? करंट के अलोंग होगी, मतलब ये वाली कुछ लेंथ होने जा रही है। दूसरा मुझे एरिया, क्या इस करंट के फ्लो होने में एरिया में कोई चेंज होगा? अच्छी न्यूज है, नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एक सॉलिड है और यहां तक ये फिक्स है, एरिया में तो भाई कोई चेंज होगा नहीं, कॉन्स्टेंट रहेगा।
पर अब इस बार जो लेंथ है, लेंथ इज गोइंग टू चेंज, यानी हमें फोकस करना है लेंथ पर। तो अब मैं इसको समझूं कैसे, पहले इसको डिस्कस कर लेते अच्छे से। मान लो कि मैं इसको अगर समझाना चाहूं कि मैं इस क्वेश्चन को करना चाह रहा हूं एलिमेंट लेके, ऐसे तो होगा नहीं। तो मान लो कि मैंने यहां से एक एलिमेंट स्टार्ट किया और मैं ऐसे यहां तक लेकर आया और इस एलिमेंट का देखा, ये ध्यान से सुनना है, ये हमारा वो एलिमेंट है जो मैंने इस पूरे कंडक्टर में, मैं ये मानता हूं कि ये जो एलिमेंट है उसका डिस्टेंस x है यहां तक। अब इसने करंट फ्लो करेगी ऐसे, ये आई ये आई ये आई। दूसरी एक चीज और कि अगर मैं यहां से एलिमेंट मानना शुरू करूं कि एक एलिमेंट मैंने यहां बना दिया, एक एलिमेंट मैंने यहां बना दिया, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये किस टाइप का करंट मुझे दिखाई देगा। तो अगर मैं रफली बात करूं, मान लो मैं यहां पर एक रफ ऐसे समझा रहा हूं कि जो डायग्राम है उसका पिक्चर कुछ ऐसा है। अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, ये इसमें करंट गई, सेकंड एलिमेंट लिया इसमें करंट गई, थर्ड लिया इसमें करंट गई, और ये पूरा हमारा बॉडी था, इसका करंट मैं मानता हूं कि डी आई वन है, इसमें करंट डी आई टू है, इसमें करंट डी आई, तो करंट यहां से यहां आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको बैटरी बना के समझना चाहूं तो ये ऐसा होगा, ये प्लस ये माइनस, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का, ये वी वन है और ये वी टू है, तो ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर मैं ये लिख दूं कि वो V2 माइनस वन V है, तो हर एक करंट जो ब्रांचेस में दिए गए हैं उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। मतलब इसमें स्पेशल क्या है कि ये जो इस टाइप के एलिमेंट तुम बनाओगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये आपस में पैरेलल होंगे। और ये तुमने अच्छे से पढ़ा है, अगर टेंथ के बेस पे सोचो, मैं यहाँ रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री आर फोर बना दूं, इजीली समझ जाओगी कि दे आर कनेक्टेड पैरेलल। तो पहली चीज तो ये है कि करंट तो यहां से यहां जाएगी, इन सारे एलिमेंट्स का जो कनेक्शन होगा वो पैरेलल होगा, एक तो ये दिमाग पे रखना है। और यहां से यहां जाने में जो चेंज होगी वो लेंथ होगी, एरिया कांस्टेंट रहेगा। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में आगे। अगर मैं इसको एलिमेंट के लिए अप्लाई करूं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसने फॉर्मेट बना लिया तो उसमें बचा ही नहीं कुछ। देखो डी आर मुझे लिखना है रो जो कांस्टेंट है, अब मुझे चाहिए लेंथ। जरा सोचिए लेंथ क्या होगी, बड़ा आसान है, एक्चुअल पाथ यही है करंट का, तो यही इसका लेंथ होगा। इसके साथ साथ रेडियस है एक्स, ये एक पूरे सर्कल का वन फोर्थ पार्ट है, पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ये होगी पाई एक्स डिवाइड बाई 2। क्यों, यहां से यहां तक पूरा वन फोर्थ है, तो 2 पाई आर का वन फोर्थ कितना होगा, पाई आर बाई 2। आर क्या होता है, रेडियस, यहाँ पर रेडियस कितनी दी है मैंने एक्स, तो लेंथ का काम खत्म हो गया, क्योंकि हमने लेंथ का काम खत्म कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। इसकी जो थिकनेस है वो मैं बोल रहा हूँ कि dx है। अब इसको अगर मैं ऐसे देखूं कि थिकनेस तो भाई dx है, हाइट इसकी h है, तो बताओ इसका एरिया क्या है, बहुत सिंपल है, h into dx, तो यहां लिख दो h into dx। अब यहाँ पर एक चीज देखना, जैसे ही तुम यहाँ पहुंचोगे तुम्हारा सर घूमने लग जाएगा, यार dx तो नीचे आ रहा है, मैं इंटीग्रेट करूंगा कैसे, भाई मैंने क्या बोला था ये पैरेलल है, तो यहाँ से एक इंडिकेशन आ रहा है कि जब तुम रेजिस्टेंस निकालोगे पूरा तो डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल है, तो इसे कैसे निकालना होगा, वन अपॉन dr। अब देखना अगर मैं ऐसे इसको वन अपॉन में लिखूं तो क्या होगा, ये h dx अपॉन, ऊपर देखिए रो आएगा, पाई आएगा, एक्स आएगा, और ये वाला जो टू है वो यहाँ पर होगा। अब देखिए बना हुआ फॉर्मेट दिख रहा है, तो वन बाई आर में सॉल्व करूंगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं और इसको लिख दूं कि ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो ये होगा टू एच रो पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, कहां से कहां तक जाना है, शुरुआत हुई आर वन से, फिनिश हुआ आर टू पर, तो मैंने फिर कर दिया आर वन और आर टू, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट आएगा टू एच अपॉन रो पाई, और ये एल एल लिखोगे और उसके बाद इसको जब करोगे तो क्या मिलेगा, आर टू अपॉन आर वन, तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, फिर इसको लिख देते हैं रो पाई अपॉन टू एच एल एन आर टू पाई आर वन, इजी आ गया रेजिस्टेंस। तो क्या था, अब ये फॉर्मूले में लेंथ और एरिया को पहचानते जाओ,
और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओ। अब इसी में अगर मैं एक वेरिएशन कर दूं, अब इसमें देखो अगर एक छोटा सा वेरिएशन किया जाए, जैसे फिर से एक बार सोचते हैं, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया था, यहां से चले फिर ये बनाया, ये आ रहा है, और इस वाले कॉर्नर से मैंने इसको ज्वाइन करा दिया और इसको ज्वाइन करा दिया, बाद में इसको इससे कर दिया और इसको इससे, ये देखिए फिर वही डिजाइन बन के रेडी हो गई। अब मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ वो देखना, ये वाला एंड आर वन यहाँ तक सेम प्रोसेस है, आर टू क्वेश्चन में कुछ नहीं बदला है, रजिस्टिविटी रो वाली जो हाइट थी वो एच, सब कुछ ठीक है। चेंज मैं अब ये करूंगा कि करेंट की जो डायरेक्शन है वो अब मैं दूंगा लोगों को कि करेंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, अब इसमें देखो हमने क्या लिखा, फिर अपना फॉर्मूला लिखा आर रो एल बाई थी, ठीक। अब इसमें ये पहचानो कि लेंथ कौन होगा, भाई लेंथ तो इधर होने वाली है करेंट के साथ, अब एल डी एक्स एरिया कौन होगा, तो एरिया पे फोकस करो, इसका जो एरिया होगा जो फ्रंट देख रहे हो ना ये वाला, ये एरिया होगा, शायद समझ गए होगे, जो पूरा पिक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, पूरा जो ये एक दिख रही है जबरदस्त रॉड बनी हुई स्लाइडर जैसा, ये वाला एरिया हमें देखना होगा क्योंकि करेंट इसी से घुसेगी, तो क्या इसमें यहां से लेकर यहां तक लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, तो पहला आंसर है यस, एरिया तो भाई चेंज होगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करें, फिर इसमें एक एलिमेंट लेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना अब एलिमेंट एक दो तीन जितने भी लोग करंट भी उसके साथ में है, मतलब ये सीरीज में होगा तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना कि अब ये सीरीज होगा, क्यों, अगर ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, तो ये सारे सीरीज में होंगे, तो मुझे क्या चाहिए, देखिए कितनी जल्दी करोगे इसको, डी आर मैंने रो लिख दिया, अब मुझे लेंथ चाहिए, तो अगर मैं यहीं पर एक एलिमेंट बनाता डी एक्स थिकनेस का, ये लाइन ऐसे आएगी और ये एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये मैंने एक एलिमेंट बनाया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मैं बना सकता हूँ, और इस डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन कितना थिकनेस मैंने लिया, तो ये ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट अगर यहाँ पे परेशान ना होगा, यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ऐसे ये आ रहा है, ये इसका थिकनेस मैंने क्या माना हुआ है dx, ये देखिए ये dx ये dx ये dx, तो अब लेंथ तो रहनी है करेंट के अलाउ, तो करेंट जा रहा है इधर, ये dx हमारी लेंथ बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब मुझे एरिया चाहिए किसका, एलिमेंट का, तो देख लो ये एलिमेंट ये ऐसे दिख रहा है नीचे, इसका जो थिकनेस है वो फिर dx है, लेंथ h है, तो अब इसका एरिया यहाँ पे लिखोगे कैसे, एरिया में अगर मैं लिख दूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए h into dx, तो क्या ये सही है, तो कोई बच्चा आएगा dx dx कैंसिल कर देगा, बोले सर सॉल्व हो गया, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब गड़बड़ क्या कर रहे हैं वो देखो, रो इंटू dx में कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ पर फंस रहे हैं, एरिया पे फंस रहे हैं, एरिया लेना किसका है, इधर से देखो इस टाइप का एरिया जो मैंने ये दिखाया था सामने, ये वाला एरिया है, और यही एरिया तुम्हें इस एलिमेंट में ढूंढना है, मतलब ये वाला एरिया तुम्हें ढूंढना है। तो अब सोचो अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से दिखाऊं कि कुछ मुझे ऐसा ये एलिमेंट है मान लो ऐसा, अब इसका ये एरिया तुम्हें ढूंढना है, अगर मैं बोलूं कि इसका लेंथ मुझे पता है और वो एल डैश है कितना, तो ये वाली थिकनेस कितनी है वो तो मुझे पता है कि h है, तो एरिया निकालना है तो l डैश इनटू h करोगे ना, ये वाली लेंथ लोगे और ये लोगे, तो ये मिस्टेक बच्चे यहाँ पे करते हैं, वो नहीं कर रहे। अब बात समझ में आई, लेंथ इसकी कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, बड़े आराम से बता सकते हो कि अगर मैं इसको पूरा कर दूं ऐसे, ये देखो आपस में अगर ज्वाइन कर दूं ये लो, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, उस सर्कल का 1/4 पार्ट है ये, तो लेंथ कितनी होगी, हटा देता हूं, तो अब इस लेंथ के लिए अगर हम यहां पे जाएंगे तो लेंथ को हमें कितना लेना होगा,
और यार पिछले क्वेश्चन में भी किया था, कोई नई चीज नहीं है, पाई आर होता है टोटल, तो पाई एक्स करेंगे डिवाइड बाई टू कर देंगे, ये लेंथ हो गई, समझ गए ना, पूरा सर्किल बनाने से 1/4 पार्ट लेंथ आ गई और इसकी थिकनेस एच है, लो ये हो गया सॉल्व। और इसमें करना ही क्या है, अब यहाँ लिखोगे टू रो, यहाँ लिखोगे डी एक्स, यहाँ लिखोगे पाई, यहाँ लिखोगे एच, और ये बात भी कर लोगे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, आर वन से आर टू तक, ये होगा टू रो पाई एच और एल एन लिखोगे और ये होगा आर टू अपॉन आर वन। लीजिए सॉल्व डायरेक्ट, इसको पैरेलल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सीरीज में थे। अब अगर इसी में मान लो जो ये क्वेश्चन तुमने अभी बनाया, इसी में अगर कुछ अलग से किया जाए, मान लो करंट की वेरिएशन है, कोई भी कर सकता है, मान लो ये बना हुआ था, अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म ले लू, यही था हमारा डायग्राम, ये यहाँ से कितना था आर वन, ये कितना था आर टू रेजिस्टिविटी रो, और यहाँ पे एस था। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो इसमें करंट है ना वो इनटू द पेज, ऐसे इनटू द पेज, इनटू द पेज का मतलब इसी के अंदर है, परपेंडिकुलर है। अब क्या चेंज हो रहा है, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा आर रो, लेंथ कितनी है करंट के साथ साथ होगी, और जब करंट के साथ साथ होगी तो लेंथ कितनी आएगी, कितनी आएगी, यहाँ पर एच दिया हुआ था एच होगी, एरिया कितना होगा जो इसके अंदर से जा रहा है, तो एरिया में पहले यहां से यहां तक, क्योंकि ऐसे देखो, अगर ये तुम नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देखो, ये ऐसे, मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं, अब मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया लेना, अगर मैं पूरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया लू तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे क्या है, पहले आउटर एरिया फिर ये वाला एरिया, बीच का चाहिए, तो एरिया में पहले मैंने लिखा पाई, ध्यान से देखना, आउटर रेडियस क्या था आर टू स्क्वायर, इनर रेडियस क्या था आर वन स्क्वायर, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, तुम्हें कितना लेना है 1/4 पार्ट, यहाँ और क्या करोगे पाई बाई 4, तो रो एल अपॉन ए, इसमें चेंज क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं, क्योंकि करेंट अंदर जा रहा है, लेंथ एच वही रहेगी, एरिया एरिया में भी कोई चेंज नहीं है। तो ये थे रेजिस्टेंस के हमारे क्वेश्चंस, अगला वाला लेक्चर जो मैं इस पे अपलोड करूंगा वो इसी के साथ कंटिन्यूएशन में होगा, ओके, तो ठीक, थैंक यू।